हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वर्क परमिट वाली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए और उसके साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आई। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच गाइस। मैं भी उतनी खुश हूँ और आई होप आप सबको भी जल्दी से मिल जाए। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं सर्विस ऑन्टारियो, तो वहाँ पे मुझे अपना ओहिप कार्ड लेना है और अपनी फ़ोटो आईडी लेनी है, क्योंकि अब अगर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। हम लोग अभी नीचे जा रहे थे ना, क्योंकि हमें बाहर जाना है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे है कि एक जगह है जहाँ पे लोग चीज़ें छोड़ जाते हैं। अगर आप कैनेडा में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लोग चीज़ें छोड़ जाते हैं ऐसे ही, कि उनको उसको ले जाने में, ट्रांसपोर्ट में और उसको स्क्रैप करने में काफ़ी पैसा लग जाएगा, तो वो यहाँ पे छोड़ गया। और गेस करो मेरे को क्या मिला। गाइस, आई फाउंड दिस फिटनेस बाइक। मतलब ये साइकिल जो है, ये मुझे लिटरली ये मुझे चाहिए थी और ये मुझे फ्री में मिल गई यहाँ पे अपार्टमेंट के नीचे। तो आई होप मैं इस पे बैठ के अभी थोड़ी एक्सरसाइज कर पाऊंगी। एंड और ये बहुत ही सही, मतलब वर्किंग कंडीशन में है, तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप बाहर जाएं, अगर आपके आसपास कोई चीज़ आपको दिख रही है कि ये आपके काम आ सकती है, तो आप उठा लेना। मैं भी यही करती हूँ। और गाइस, ये मिलने पे यश का सबसे पहला डाउट पता है क्या था? ही वाज सेइंग, ये पिंक कलर में क्यों है? और मैंने मजदूरी करी है, अभी उठा के लाया है, इसको सांस चढ़ा हुआ है। गाड़ी आ गई है और अब हम चलते हैं। रुको रुको, मेरे को बिना लिए जा रहा था। यस, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तू बहुत शैतानी करती है और बस। ओ माय गॉड, लुक हु इज टॉकिंग। पंखा दरवाजा बढ़ना है, हॉट ठंड चल जाएगी। अभी हमें पहले जाना है स्टेपल्स जा रहे हैं, राइट? फोटोकॉपी लानी है हमें डॉक्यूमेंट की, जो कि हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी सर्विस ऑन्टारियो में। तो पहले स्टेपल्स चलते हैं और फिर चलते हैं अपना ओहिप कार्ड लेने और फोटो आईडी लेने। उसके बाद हमें शायद अंकुरनगर जाना आज। जहाँ पे तो लेके चलेंगे वहाँ चलेंगे। अच्छा, ये बता, कॉफी पिला रहा है? सारे ट्रीट वगैरह अब इसकी तरफ है, रीजन बाद में बताएंगे। यस गाइस, मैं जल्दी रीजन रिवील करने वाली हूँ कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। सो आई होप वो जल्दी वर्कआउट हो जाए और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी। एंड वर्क परमिट के बाद ऑब्वियसली एक बिलोंगिंग ऑफ सेंस आता है इस कंट्री में, कि अब तुम यहाँ पे हो एंड यू हैव दिस आईडी डॉक्यूमेंट विद यू एवरीवेयर। अब तुम्हें हेल्थ कार्ड भी मिलेगा, तुम्हें इंश्योरेंस भी मिलेगा। अदरवाइज विजिटर पे भी इट वॉज फन, बट थोड़ा ऐसा फील होता था कि यार कहीं भी जाओ तो अच्छा मैम आपके पास विजिटर है, ओ सॉरी। बेसिकली वैल्यू नहीं होते थे। कहीं भी जाओ टिम हॉर्टन्स पे भी पूछते थे, विजिटर हो आप? अरे नहीं, टिम हॉर्टन में ऑब्वियसली किसी ने नहीं पूछा मुझसे, कुछ भी बोल रहा है गाइस। हाँ, बट यही है कि वर्क परमिट के बाद अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं अब कैनेडा में रह रही हूँ। उससे पहले तो हाँ विजिट कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा में है, बट अभी वो सेंस आती है यहाँ पे रहने की, कनेक्ट कर पा रही है अभी, कनेक्ट कर पाती हूँ यहाँ से हर चीज से। अदरवाइज तो यही लगता था कि अब पता नहीं कब वापिस जाना पड़ेगा यहाँ से। जो लोग विजिटर वीजा पे वो लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। इनको नहीं पता स्टेपल्स क्या है। स्टेपल बेसिकली एक दुकान है जिसको अपने इंडिया में फोटोकॉपी की दुकान बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़ी सी शॉप बना दी है, बड़ा सा स्टोर बना दिया है जिसमें अच्छी सी लाइटिंग है, अच्छी तरह से बुक्स रखी हुई है। मतलब बुक शॉप टाइप है जहाँ पे आपकी फोटोकॉपी भी हो जाती है, आपको फोटो क्लिक करानी है पासपोर्ट के लिए या फिर अपने सिटीजन टेस्ट के लिए, जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट उसके लिए अगर आपको करानी है तो वो भी हो जाती है। और प्रिंट आउट वगैरह वो जो होते हैं वो निकल जाते हैं। और अगर आपको स्टेशनरी का सामान लेना है, बुक्स लेनी है, तो वो भी आपको वहां पे मिल जाता है। सो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। सो गाइस, पहुंच गए हैं स्टेपल्स। वो शॉपर ड्रग मार्ट है जहाँ पे दवाइयाँ और कॉस्मेटिक मिलता है, और ये है स्टेपल्स, और ये रहा मेरा पति। क्या मैं कह रहा हूँ, वहाँ बस ढूंढ लिया तूने, मैं यहीं पे। जिस चीज की फोटोकॉपी करानी है वही भूल गए, फोल्डर लेने जा रहे हैं अब। फोटोकॉपी की करानी है? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, पढ़ना यहीं पे, तुम रह जाओगे और बाहर नहीं जा पाओगे, इंडिया मतलब कनाडा, इंडिया इंडिया कहीं भी कंट्रोल मूव नहीं कर पाओगे। हाँ,
यहाँ पर बूथ बने हुए हैं हमारे, यहाँ पर आप फोटो कॉपी करो, प्रिंट आउट करो, कुछ भी करो। तो गाइस फोटोकॉपी हो गई है, जो प्रिंट आउट लेने थे वो ले लिए, सिग्नेचर कर लिए और अब चलते हैं सर्विस ओंटारियो। और काफ़ी फास्ट प्रोसेस था क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने घर से ही भेज दिए थे, तो इनका ये कर सकते हैं, आपकी इनका ईमेल आईडी होता है उसके ऊपर आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दो घर से ही, उसके बाद आपको एक आईडी मिल जाती है। आप यहाँ पे आओ, जो मैंने मशीन दिखाई है वहाँ पे प्रिंटर लगा होता है, वहाँ पे आप आओ, उसमें वो कोड डालो और आपके डॉक्यूमेंट जो आपने ईमेल पे भेजे हैं वो वहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं और आप उनको प्रिंट कर सकते हो। और कितना लगता है? अराउंड 10 सेंट्स अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी कर रहे हो तो काफी सही है रेट इनका। हाँ। और कलर का थोड़ा महंगा है, आई थिंक 50 सेंट्स है कुछ। अच्छा। पर डॉक्यूमेंट तो ब्लैक एंड व्हाइट ही कराता हूँ मैं तो। हाँ। और बहुत सही है कि घर पे हेडेक नहीं है आपको प्रिंट आउट रखने की, और इनका और इकोनॉमिकल है काफी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी डिजिटल हो गया ना बहुत सारी चीजें। आपको यूएसबी नहीं लानी यहाँ पर, आप बस ईमेल कर दो और वहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आके बस आपको कोड मिल जाएगा, कोड आप यहाँ पर टाइप करना और बस तभी आपको लाइक प्रिंट आउट मिल जाएंगे, आप खुद ही कर सकते हैं और पे कर दो कार्ड से भी, और आई थिंक कैश भी चल जाएगा अगर करना चाहो तो। सो गाइस इसके लिए जो डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट किए हैं वो है, एक तो होम इंश्योरेंस जो यश के पास थी जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ की इंश्योरेंस जो होती है, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है बेसिकली ओंटारियो का हेल्थ इन्फॉर्मेशन, एक वो होता है लाइक टेम्पलेट होता है जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है कि आप कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है और बेसिकली हाँ, और फिर उसके ऊपर आप सिग्नेचर करके आप इनको जमा करा सकते हो। वो अभी जैसे हम सर्विस ओंटारियो जाएंगे तो हम उनको वो दो चीजें देंगे, और इसके साथ आप अपना पासपोर्ट और आप अपना वर्क परमिट जो भी आपका स्टेटस है कैनेडा में आप वो कैरी करें, और बाकी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगी। फोटो आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, और फोटो आईडी कार्ड में बेसिकली उन्होंने मेरा होम इंश्योरेंस देखा जिसपे मेरा एड्रेस था, और तो आपका पासपोर्ट देखा, और उसके बाद उन्होंने एक लेटर दिया है जो आप चाहे तो बैंक वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट फोटो आईडी कार्ड। फोटो आईडी कार्ड आपको मेल में आएगा आपके घर पे, जो भी आपने मेलिंग एड्रेस दिया है। 4 to 6 वीक उन्होंने बोला है कि 4 to 6 वीक में आएगा, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एट द सेम टाइम तो आप फोटो कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो मेरे पास नहीं था तो मैं कर सकती थी। तो अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आपको फोटो आईडी कार्ड वापस करना पड़ेगा। सो ओहिप कार्ड के लिए हमें दूसरी ब्रांच जाना पड़ेगा अभी, और चलते हैं, और बहुत तेज भूख भी लगी है, बट पहले ये काम करना जरूरी है क्योंकि 5 बजे बंद हो जाएगा, और अभी हो रहे हैं हाँ, और अभी हो रहे हैं 3:30, तो क्योंकि यहाँ फोटो आईडी कार्ड आने में उन्होंने बोला 4 to 6 वीक लगेंगे, नॉट श्योर ओहिप कार्ड कितने दिन में आएगा। तो मेक श्योर जब भी आपको वर्क परमिट मिले आप जल्दी से जल्दी ये सब चीजें अप्लाई कर लें, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट भी जब खुलवाने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव एनी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कैनेडा, तो वो नहीं था मेरे पास। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी फोटो आईडी कार्ड के लिए। तो अभी चलते हैं दूसरी ब्रांच में और करते हैं ओहिप कार्ड अप्लाई। सो गाइस अभी हम घर पहुंचे हैं और अभी सब करवा के आए हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं वही लेने दूसरी ब्रांच जा रही हूँ, तो दूसरी ब्रांच हम गए और एक्चुअली वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगा। आप अगर उनका जो फील्ड फॉर्म होता है अगर आप फिल करके पहले ही जाओगे तो आपका 5 मिनट में हो जाता है। तो मेरे पास अभी जॉब नहीं थी तो उन्होंने यश का ऑफर लेटर चेक किया था, क्योंकि ये यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा है,
और मेरा वर्क परमिट, हाँ सैलरी स्लिप सब कुछ जो भी एम्प्लॉयमेंट वाले डॉक्यूमेंटेशन सब आपको लेके जाने हैं। और पूरी अगर आप ऑर्डर में हैं तो खाली एक ही लोकेशन है जो यहाँ पर आपको हेल्थ कार्ड देती है, वो है लॉरियर एवेन्यू और ये है डाउनटाउन में। और सो गाइज फोटो आईडी कार्ड का मैं आपको बता देती हूँ, उसका अराउंड $35 लगा, लेकिन ओहिप कार्ड में हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाए और उसके बाद कोई भी फीस नहीं लगी। और एक और चीज़ है, उन्होंने मुझे अभी ओहिप कार्ड नहीं दिया क्योंकि वो आने में अराउंड 2 to 4 weeks लगेगा, बट उन्होंने अभी मुझे एक फॉर्म दे दिया जिसके ऊपर एक नंबर है, तो अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है या कहीं और जाना है, लाइक अगर आपको अपना इंश्योरेंस यूज़ करना है, तो आप उसको उस फॉर्म को उसने बोला कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, पहले एटलीस्ट 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ता था, बट ये कोविड के चक्कर में उन्होंने अभी ऐसे कर दिया है। तो अगर आप आ रहे हो तो अगर आपका वर्क परमिट मिल गया तो जाके आप अपना ओहिप कार्ड जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। और उसने बोला कि आज से ही मतलब मैं कवरेज स्टार्ट हो गई मेरी आज से ही, क्योंकि मेरा वो नंबर जो है वो सिस्टम में उनके जनरेट हो गया। सो गाइड्स दैट्स अबाउट इट अबाउट ओहिप कार्ड एंड अब ये साइकिल चलाएगी फोटो आईडी जो हमें फ्री में मिली है।